गुरु सवरी सत्संग जी साहिबे पातशाह दीन दुनिया के मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी दे विच बैठी हुई गुरु रूप गुरु सवारी सत्संग जी रसना नु करी पवित्र गज के आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु। पातशाह दी बाणी निरंकारी बचन पातशाह कहिंदे हन धन सो वेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरना। भगत कबीर जी के जीवन की एक साखी है मन एकादर करिए हिरदे शांत करिए सावधान होके बैठिए गुरु रूप गुरु सवारी साध संग जी। भगत कबीर जी एक बार दीवान लासन रासन बनारस दे विच बैठे हन। हुण जिहड़े भगत कबीर जी के बचन ने ना वो इनकलाबी बचन ने क्रांतिकारी बचन ने। भगत कबीर जी बड़े निडर बड़े दलेर बड़े जज्बे वाले अपने फर्जा नूं पछाणन वाले जिन्हां ने समें दी मनुवाद ब्राह्मणवादी सोच नूं निगारिया। बड़े उच्च म्यार दे भगत बड़े इनकलाबी भगत हुण उहनां दी संगत विच कई उहनां नूं प्यार भी करदे सन कई उहनां नूं निंददे भी सन कई उन्हां खिलाफ षडयंत्र भी रचते सन राजनीति भी रचते सन। भगत कबीर जी जदों दीवान ला रहे हन एक इंसान एक व्यक्ति उन्हां दे दीवान दे विच आया बड़ा चंचल बड़ी काली वाला मन दे विच रता भी सहज नहीं रता भी सबर नहीं सीधा आके भगत कबीर जी नूं कहण लग्या जी मैनूं उपदेश देवो मैनू उपदेश देवो। बार बार यो कही जावे भगत कबीर जी हस पे। हुण गुरु रूप गुरु सवारी साध संग जी धर्म का एक गहना यह भी है भी मन दे विच टिकाओ बड़ा जरूरी है धर्म का गहना है। हुण जे मना दे विच टिकाओ नहीं मना दे विच सहज नहीं तां गुरु की गल नहीं सुन सकते असीं। मन चंचल होवेगा ना ते मन दे भांडे विच गुरु की गल नहीं पवेगी ये लिख के लै लवो। सत्संग दे विच बैठना है सतगुर की हजूरी दे विच बैठना है बड़ा सावधान होके बड़ी तहजीब नाल बड़े आग्ञाकारी सपुत्र बन के उहदे आग्ञाकारी सेवक बन के सिख बन के। कई बार असीं गुरु घर दे विच आ तां जाने आ पर कई बार तहजीब नाल कपड़े नहीं पहने हुंदे साडे। पातशाह कहिंदे जित पैदे तन पीड़ी है मन मह चलै विकार कहिंदे ऐसे कपड़े पा के की लैणा जिहड़े तुहाडे मनां दे विच विकार पैदा करन। क्योंकि जदों बच्चा स्कूल दे विच जांदा है ना जेकर उहदी वर्दी ना होवे स्कूल दे विच तां टीचर उहनूं क्लास दे विचों कढ दिंदे ने। धार्मिक स्थान दे लई साडे वस्त्र बड़े अनुकूल होने चाहीदे ने साढ़े मना दे विच सहज होना चाहिदा है मना दे विच चंचल विरती नहीं होनी चाहिदी। सतगुरां नूं सरमुख हो के उहदे अगे अरदास करनी है रजोई करनी है बेनती करनी है मन दे भांडे नूं बड़ा पवित्र करना है। हुण ओह मनुख जिहड़ा भगत कबीर जी नूं इह कह रहा है वार वार मैनूं उपदेश देवो मैनूं उपदेश देवो बड़ी काली दे विच बड़ा चंचल बड़ा बेचैन। कई वार आपां देखदे हां ना संगत विच आउंदा है सीधा मत्था टेक के ना बैठना है बस नाल दे नाल चला जाना है। हो सकता है कोई काम होवे पर गुरु तो उपर तक कोई नहीं ना कि असीं गुरु तो ज़्यादा भी बिजी हो गए। सत्संग दे विच चाहे 20 मिनट चाहे 15 मिनट 10 मिनट भी तुहाडी हाजरी लागी ना साहिबे पातशाह दरगाह दे विच प्रवान हो जाणी गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सहज बड़ा जरूरी है धर्म का हिर गहना है एक सबर बड़ा जरूरी है इको दम नहीं चीज मिलती होंगी इको दम नहीं वस्तु मिलती होंगी। फसल भी 6-6 महीने लेंदी है एक बच्चा साल की मेहनत करता है फिर जाके परीक्षा दिता है एग्जाम दिता है। उस तरह एक बच्चा जो व्यक्ति संसार से आता है उन्होंने भी 9 महीने लगते हैं क्योंकि हर एक सृष्टि का जीवन चक्कर है ना समा है
हुण जे जंप मारांगे तां असीं औखे होवांगे उहदे विच, जे शॉर्टकट राह अपनावांगे तां वी औखे होवांगे। जीवन चक्कर दे विच जीवन दे अनुकूल ही चलना पैंदा है। जदों जीवन नूं असीं टिच करके जाणांगे, कुदरत नूं असीं टिच करके जाणांगे, तां तुहाडे सामने जेकर असीं सहूलतां लैतीआं ने, ते सहूलतां दे इन्हां दी हानियां वी बड़ियां हन। भगत कबीर जी नूं बार बार कही जावे जी मैनूं उपदेश देवो, मैनूं उपदेश देवो, भगत कबीर जी हस पे कहिंदे अच्छा उपदेश लैणा है तां इक हां जी। भगत कबीर जी कहिंदे मैं तैनूं उपदेश दऊंगा, उहदे बट्टे तूं मैनूं की देगा। हुण गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी गल सुनने वाली है, कहिंदे जी मंगो जो कुछ मंगना है। भगत कबीर जी नूं उह बंदा कह रहा जिहड़ा भगत कबीर जी कोले उपदेश लैण आया, कहिंदे जी मंगो, मैं बड़ा धनी हाँ। इत्थों मतलब ये निकलता भी उहदे मन दे विच्चों हजे माया का लोभ गया ही नहीं है, मैं बहुत वड्डा धनी हाँ जी, की मंगोगे। हुण गुरु कोले मंगण आउणा ते पातशाह सानू कहे तू मैनू की देंगा, असीं डींगा मारन लग जाइए वड्डियां वड्डियां, असीं आह देवांगे असीं आह देवांगे। गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी एक गल पल्ले बन लो, तू दाता सब मंगते इको देवन हार। सारे मंगते हैं असीं, किसी की मंग छोटी है, किसी की वड्डी है, कोई थोड़ा जिहा वड्डा धनी होवेगा। हुण उह की कहिंदा है, कहिंदा जी तुसीं कुछ मंगो, जिहड़ा कुछ तुसीं मंगोगे मैं तुहानूं हाजिर करांगा। कबीर जी हस पे कहिंदे अच्छा, कहिंदे फिर दुध लै के आ। हुण कबीर जी नूं दुध दी लोड़ भी नहीं, दुध दा हंकार भी नहीं, क्योंकि कबीर जी परमात्मा दे विच अभेद हन। कबीर राम है एको, भगत कबीर जी निरंकार दे बिल्कुल नेड़ले और अभेद हन। जिवें पानी दे विच पानी मिल जांदा ना पता नहीं लगदा, उस तरह भगत निरंकार दे विच अभेद हो जांदे हन। कहिंदा दुध लै के आओ, भज्जा भज्जा जांदा है बेचैनी चंचल दे विच, दुध लै के आ जांदा है। भगत कबीर जी ना एक बड़ा गंदा भांडा लैके जर्जरा हुंदा, बड़ी जर लगी हुंदी है उहनूं, बड़ा मलीन हुंदा है भांडा, उहदे मूहरे कर दिंदे ने वी इहदे विच पा दे दुध। हुण उहदे मन दे विच वी इह भांडे दे विच मैं दुध पाया ते दुध खराब हो जाणा, क्योंकि गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जी जिन्नी वस्तु पवित्र होवेगी असीं भाना भांडा उन्ना साफ रखांगे। सानू पता है भी कोई खाण पीण वाली वस्तु है खराब ना हो जाए, या दुध ना खराब हो जाए, दाल ना खराब हो जाए, क्योंकि साफ बर्तन में ही पवित्र वस्तु पाई जाती है। वो कहिंदा जी भगत कबीर जी नहीं बोले, दो तीन बार कहा भी पा दे, फिर वो अक्सर नूं बोल ही पिया, कहिंदा जी तां भांडा बहुत गंदा है, दुध वेस्ट हो जाएगा। भगत कबीर जी कहिंदे इहो उपदेश है, अजे तेरा अंदरला जिहड़ा भांडा है ना वह बहुत गंदा है, बेचैनी है, उहदे विच कालख भरी पई है, उहदे विच अजे नाम नहीं टिक सकदा, उहदे विच नाम टिकाउण लई तहजीब चाहीदी है, आग्याकुरी होनी चाहीदा गुरु दा, गुरु दे हुकम दे विच भाणे दे विच रहना आउंदा होवे, गुरु दी रजा दे विच रहना आउंदा होवे। अते जिहड़ा मन वाला भांडा है ना, भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। हुण महाराज कहिंदे मन मैला है सब कुछ मैला, तन धोतै मन अच्छा ना होए। जे कहे तेरा मन मैला ना फिर सब कुछ मैला है। बेशक उपरों तू बड़ा महंगे प्रोडक्टां नाल अपने शरीर नूं साफ रखदा होवेगा, चंगे सोहने इत्र लगा के, चंगे सोहने वस्त्र पा के तू अपने आप नूं बड़ा वड्डा धनी कहिंदा होवेगा, पर मन दे विच जिहड़ी कालखा ना, मन दे विच जिहड़ा भांडा है, जिहड़ा हिरदा है ना, वह भांडे दे विच हजे नाम टिकाउण वाली वस्तु नहीं बनी हैगी, क्योंकि नाम इन्ना पवित्र है, यह पवित्र हिरदे विच ही वस सकदा हैगा। जिके आखो सतनाम वाहिगुरु, हुण पवित्र हिरदे विच ही वसूगा। हाँ इन्ना कोई हो सकता है पातशाह के दर से असीं खुशियां लै सकते हैं, उहदे दर तों दुनियावी पदार्थ भी लै सकते हैं, वह विरले लोग होंदे हन,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ ਜੱਗ ਜੀਤ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੇਤ ਮਨ, ਇੱਕ ਅਚੇਤ ਮਨ। ਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਪਲ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ, ਸਹਿਜ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਰਜਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਦਗੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਸਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾਂ ਸਦ ਧੂਰ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਧੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਜੀ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਾਨ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਰੇ, ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਜਪੋ ਜੀ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ,
दर्शन करना। तन सोवेला जित दर्शन करना, दर्शन करना। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज हर ना, कृष्ण दोस्त हार मारिया। प्रहलाद तराया अंकारिया निंदका, पिठ दे नाम दे ओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सिविया। अंत लय छाय जन नानक सहार सेविया। श्लोक महला पहला। दुख दारु सुखरोग पया जस तम न हुई, तू करता करना मैं नही जहां करी न हुई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर है। तू सच्चा साहिब सब सवाले ओ, जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किछ करना सो कर रहा। सुधरागा संभाला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सुधर तेरा केहा सो कर केहा, जित बह सर्ब संभाल वज तेरे नाद नेक संखा। कित तेरे वावन हार कित तेरे राग परी सौ कही है, कित तेरे गावन पवन पानी बै संतर। गावे राज धर्म द्वार गाव दोनों जित गुबद लिखयाण, लिख लिख धर्म विचार गाव तुन ईश्वर ब्रह्मा देवी। सुन तेरे सदा देवते आदर नाल, गाव तुन सिद्ध समाधि अंदर गाव तुन साध विचार गाव तुन जति सति संतोखे। गाव तुन वीर करार गाव तुन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा गाव तुन मोहनिया मन मोहान। स्वर्ग मच प्याल गाव तुन रत्ने उपाए तेरे, अठ सठ तीर्थ नाल गाव तुन जोध महाबल सूरा। गाव तुन खानी चार गाव तुन खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रख तेरे तारे सही तुन बावन जोत दुआवन। प्रत तेरे भगत रसाले होर कित तुन गावन सिम जत नयावना। नानक क्या चार सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है पी हो सी जाए न जासे ही। रचना जिन चाई रंगी रंगी बातें घर कर जिन से, माया जिनो पाई कर कर देखे कीता अपना। ज्यो तिस दी लियाई जो तिस पावे सोई कर से, फिर हुक्म न करना जाए सो पातशाह सा पतसाए। नानक रह नर जाई र जाई र जाई, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह।